हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। जैसे कि आज संडे है तो आज की वीडियो थोड़ी अलग होगी। आज हम जानने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक द्वादश ज्योतिर्लिंग, जो कि है नागेश्वर महादेव। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 12वें ज्योतिर्लिंग है, जो कि द्वारका धाम से लगभग 17 किलोमीटर बाहर स्थित हैं। और रुद्र संहिता में इन भगवान को दारुका वने नागेशम कहा गया है। नागेश्वर शब्द का अर्थ होता है नागों के ईश्वर, यानी नागों के भगवान। ये मंदिर बेट द्वारिका जाते समय रास्ते में ही स्थित है, और रास्ता कुछ इस तरह से है। काफ़ी दूर दूर तक यहाँ पर पेड़ आपको नहीं दिखाई देंगे। जो पेड़ हैं वो भी जंगल जलेबी, कीकर, इस तरह के जंगली पेड़ हैं। तो इस तरह का कुछ रास्ता है, एक पतली सी सड़क है, और यहाँ पर विंड टर्बाइंस भी कहीं कहीं पर जगह जगह लगी हुई हैं। बाकी जंगली पेड़ आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ की भी एक कथा है जो कि काफ़ी पौराणिक कथा है, और उस कथा को सुनने का भी काफ़ी महत्व है। एक दारुका नाम की राक्षसी थी, जिसको माता पार्वती से वरदान मिला हुआ था कि वो जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ उसके पीछे पीछे हरियाली और ये वन संपदा चलती रहेगी। इसीलिए इस बात का उस दारुका राक्षसी को काफ़ी घमंड भी था। तो अभी हम आ पहुँचे हैं नागेश्वर महादेव के दर्शन करने, और आप देख सकते हैं कि दूर से ही आपको एक बड़ी सी शिव जी की प्रतिमा दिखाई देगी, जो कि देखकर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। वैसे तो पौराणिक कथा काफ़ी बड़ी है, आप नेट पर पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। एक सुप्रिया नाम का शिव भक्त था, जिसकी शिव भक्ति से जो दारुक नाम का राक्षस था वो काफ़ी क्रुद्ध रहता था। और इसी वजह से एक बार सुप्रिया जब नाव में बैठकर कहीं जा रहे थे, उनके साथ बाकी लोग भी थे, तो दारुक ने उन पर आक्रमण करके और उन सबको बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। कारागार में भी सुप्रिया अपनी भक्ति करता रहा और आँखें बंद करके शिव जी का ध्यान करता रहता था। शिव भक्त सुप्रिया को देखकर बाकी के लोग भी शिव भक्ति में लीन रहने लगे। इस बात से क्रुद्ध होकर जो दारुक नाम का राक्षस था, उसने उन सभी को मारने का आदेश दिया। लेकिन तभी शिव जी ने अपने भक्त की रक्षा के लिए वहीं कारागार में ऊंचे स्थान पर चमकीले सिंहासन पर दर्शन दिए, और पाशुपत अस्त्र से दारुक नाम के राक्षस का अंत हुआ। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप देख सकते हैं काफ़ी पूजा की सामग्री यहाँ पर है। तो जो जो दर्शन करना चाहते हैं, पूजा कराना चाहते हैं, या कुछ सामान यहाँ से लेना चाहते हैं, तो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर नाग नागिन के रूप में माता पार्वती और शिव जी की पूजा की जाती है, और इसीलिए नाग नागिन का जोड़ा भी यहाँ पर चढ़ाया जाता है। काफ़ी सारी सामग्री मिलती है, आप यहाँ पर पूछ कर ये सामग्री ले सकते हैं और मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में कोई वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था कि मंदिर में फ़ोटो खींचना मना है। लेकिन बाद में सबको देखा कि वहाँ पर सभी वीडियो शूट कर रहे हैं और फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं, तो हमने वहाँ के महंत जी से पूछ कर यहाँ की वीडियो शूट कर ली। तो जब भी आप कहीं जाते हैं मंदिर में या कहीं भी, तो एक बार वहाँ पर पता ज़रूर कर लीजिए कि वहाँ पर हम वीडियो शूट कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर एक स्क्रीन भी लगी हुई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइव दर्शन हो रहे हैं, और ऊपर भी लिखा हुआ है लाइव पूजा अभिषेक। तो जैसे कि अभी हमने बताया, माता पार्वती और शंकर भगवान को नाग नागिन के रूप में यहाँ पर पूजा जाता है, और नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने का यहाँ पर काफ़ी महत्व है। और द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने भी यहाँ पर मंदिर में अभिषेक किया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर द्वादश ज्योतिर्लिंग दारुकावन श्री नागेश्वर महादेव जी के दर्शन आप कर सकते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि गुजरात में हमें दो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए मिले, जो कि प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ भगवान हैं और द्वादश ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महादेव हैं। तो इस तरह से गुजरात में जब भी आप आते हैं, तो प्रथम और द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करें, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर कुछ इस तरह से शिव जी विराजमान हैं, तो अंदर जाकर आप अच्छे से पूजा भी कर सकते हैं। और पुरुषों को यहाँ धोती जैसा एक वस्त्र दिया जाता है, उसे पहनकर ही अंदर जाना होता है। और यहाँ पर है हमारे नंदी भगवान, जहाँ शिव जी होते हैं वहाँ नंदी भगवान तो होते ही हैं। तो अब मंदिर से बाहर आने पर यहाँ पर एक अखंड घुणा भी है, और मंदिर के पीछे की तरफ एक घाट भी है जहाँ पर काफ़ी सारी मछलियाँ हैं, वो भी आप ज़रूर देखिए। तो अभी हम आ चुके हैं बाहर की तरफ, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पक्षी भी मिलेंगे, जो कि आप सामने बर्ड हाउस देख ही सकते हैं। ये बर्ड हाउस आपको गुजरात में काफ़ी जगह पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये थी हमारी द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा, जो कि काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सुखद थी। इस तरह से दूर से ही आपको शिव जी के दर्शन होंगे, और ये दारुका वन इसीलिए कहलाता है, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया, दारुका नाम की एक राक्षसी थी, उनको वरदान प्राप्त था कि वो जहाँ जहाँ जाएंगी वहाँ वहाँ वो वन उनके साथ चलता रहेगा। बाकी कथा बहुत बड़ी है, आप एक बार नेट पर सर्च ज़रूर कीजिएगा और पूरी कथा पढ़िएगा, उसका अपना अलग ही महत्व है। तो ये थी हमारी यात्रा, आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।